कैसे हैं गाइस? आप लोग जानते हैं आज 3 तारीख हो गया है, फिर से एक नई वीडियो में आ गए हैं। चश्मा लगा लेते हैं। फाड़ देना सीजन में सफलता सीरीज में केमिस्ट्री जो बिहार बोर्ड दिया गया है, केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर जारी किया, केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर जारी किया है बिहार ऑफिशियल जो है केमिस्ट्री का, वो आपका वीडियो यहाँ पर आ गया है गाइस। अब जो है नहीं सोना है, नहीं खेलना है गाइस, खाली पढ़ना है, पढ़ के जो है वीडियो देखना है, रिवाइज करना है, पूरा फाड़ देना गाइज। 3 तारीख हो गया गाइज, आगे प्रैक्टिकल भी आने वाला है गाइज। ये प्रैक्टिकल तो और मत ही खराब कर रहा है गाइज, लिखो पकड़ के एकदम से। तो गाइज अब जो है स्टार्ट होता है, एकदम पूरा फैला दीजिए गाइज। मेरा हेल्प भी कर रहे हैं गाइज, एक दो स्टूडेंट जो है मेरा दोस्त है आशीष अग्रवाल, वो वीडियो भेज दिया केमिस्ट्री का जो है PDF डाउनलोड करके, वो सर्वर से कहाँ भी काम नहीं कर रहा था तो सर्वर से डाउनलोड करके भेजा। और भी एक दो स्टूडेंट जो है स्टेटस पे लगा दिए गाइज, वीडियो बहुत सारे देखे लेकिन स्टेटस पे नहीं लगाए। अरे गाइज स्टेटस पे बहुत सारे चलते रहते हैं वो वीडियो टिकटॉक सबसे, क्या पता है गाइज। अरे अभी 1 महीना बचा हुआ है, फैला दीजिए पूरा स्टेटस। एक है दोस्त का भाई है तो अमरेंद्र रंजना, वो देखिए वो जबकि क्लास में नहीं पढ़ता वो स्टेटस लगाए। एक है मेरा दोस्त है रोहित काजा, वो भी मतलब काजा का है, एकदम खतरनाक स्टेटस लगाया हुआ है गाइज। आप स्टेटस लगाइए, आप स्टेटस जब तक नहीं लगाइएगा तो कैसे ही फैलेगा वीडियो, आप देख सकते हैं पूरा फाड़ देना। अब स्टूडेंट के लिए शायरी कहना चाहूँगा, अब मैं छूटूंगा। जो मेहनत से पढ़ता है, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। एकदम सही है गाइज, एकदम एक खतरनाक जो है यह आपको बात लगेगा गाइज, यह बात में बहुत जो है सकती है गाइज। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट शायरी गाइज, अभी शायरी थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए। ना वफा होगी, ना वफा होगी, ना वफा की बात होगी गाइज, सुन सकते हैं, ना वफा होगी, ना वफा की बात होगी गाइज। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लिखे हुए हैं, ना वफा होगी, ना वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी, एग्जाम के बाद होगी। एकदम उड़ा देना गाइज, एकदम उड़ा देना गाइज, एक बार भी नहीं सोचना है कि गाइज की पढ़ना है क्या करना है। वीडियो देखिएगा, यह मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है, इसका आंसर आपको मिलेगा, आपको PDF भी मिलेगा गाइज, उसमें कुछ स्क्रीनशॉट किताब से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उसका PDF रहेगा। एकदम हवा में जो है क्या कहते हैं, हवा में चलना गाइज, हवा के स्पीड से चलना गाइज, एकदम एक्टिव। क्या कीटोन टोन से जो है उसका फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, उसका भी PDF दिया गया हुआ है, एक बार भी नहीं छोड़ना है। और अभी जो विद्यार्थी सोए हुए हैं, हेव फिजिक्स जा रहे हैं, कौन कौन फिजिक्स, फंडामेंटल एंडामेंटल कौन कौन फिजिक्स, अब कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, अपने से पढ़ना है गाइज, अपने से जितना होगा 1 महीना में उसको फाड़ देना है, चीर देना है गाइज, एकदम फाड़ देना, चीर देना है, जनाजन निकाल देना है, किताब का रद्दी कर देना है गाइज, एक इतना घोर के पिला देंगे गाइज। अभी वीडियो मॉडल पेपर आया इसलिए ये वीडियो दिया गया, अभी सब चैप्टर का वीडियो आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 बना हुआ है, वो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके बाद मिलेगा केमिस्ट्री का, मिलेगा सबका मिलेगा गाइज। आपको करना क्या है, स्प्रेड करना है और धुआं झाड़ चलेगा, नो डिस्कशन ओनली एक्शन गाइज, डिस्कस नहीं करना है, खाली एक्शन करते जाना है गाइज, चलते रहिए। और एक शायरी है यहाँ पर सुनाना चाहूँगा, एकदम मत शायरी है, गूगल से यहाँ पर मैंने आपको फायर को आगे रहेगा, वीडियो अपलोड होते रहेगा, शेयर करते जाइए, देखिए कि किस टाइप से जो है यहाँ पर आपको मिलता है गाइज। देखिए एकदम पूरा देखिए, वीडियो को पूरा फैलाइए, पूरा देखिए, और सभी का जो है एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, पूरा फैला दीजिए गाइज, एकदम से एकदम पूरा एकदम फाड़ दीजिए गाइज, देखिए एकदम धकाधक एकदम चकाचक रहेगा गाइज एकदम। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल यहाँ पर मॉडल सेट केमिस्ट्री का जो है डाउनलोड कर लिया है, और सबका भी डाउनलोड किया हुआ है, यह केमिस्ट्री का पहले मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल सेट जारी कर दिया गया है केमिस्ट्री का, आपको यहाँ पर जो है 70 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के, और केमिस्ट्री के जो हो रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिशियल यहाँ पर जो है जारी कर चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं दिशा निर्देश भी दिया गया है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग, ये सब पढ़ लेंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे वो पढ़ने के लिए। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं 70 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख सकते हैं, इन सेक्शन ए देयर आर 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ विच एनी 35 क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड, यानी 70 क्वेश्चन रहेंगे गाइज, अब कहीं भी इधर उधर नहीं सुनना है गाइज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सेक्शन ए देयर आर 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ विच एनी 35 क्वेश्चन आर टू बी आंसर, 70 में हमें 35 बनाना है, इफ मोर देन 35 क्वेश्चन आर आंसर देयर ओनली फर्स्ट 35 क्वेश्चन विल बी इवेल्यूटेड, यानी आप यदि 35 से ज़्यादा क्वेश्चन आप जो है बनाएंगे तो और बनाएंगे आप मन क्या किया कि आप 40 क्वेश्चन बना दिए तो 40 क्वेश्चन का आंसर नहीं लिया जाएगा गाइज, शुरू का जो है 35 क्वेश्चन को ही यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है फिर इच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, डार्कर द सर्किल विथ ब्लैक और ब्लू बॉल। तो गाइज वहाँ पर जो है प्रश्न पत्र जो मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पर आपको जो है करना पड़ेगा कुछ डार्कन द मतलब वहाँ पर गोला जो है वहाँ पर डार्क करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि 12th का केमिस्ट्री मॉडल सेट
यह पार्ट वन है गाइज, इसमें 70 क्वेश्चन है जारी किया है मॉडल से, तो आपको इसमें पहला पार्ट में आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा गाइज, रट लो इसी को जो है दिमाग में घुसा लेना है गाइज, और जो है बाबा का गीत गाते रहना है हनी भैया। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जारी कर दिया गया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, पहला ऑप्शन गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, फटाफट जो है आपको दिमाग में लेना पड़ेगा गाइज, और यहाँ पर आंसर भी आपको बताने वाला हूँ गाइज विद एक्सप्लेनेशन गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट, तो विच टाइप ऑफ क्रिस्टल जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है, मतलब ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पहला एमसीक्यू है ए आयनिक, बी संयोजक, सी आवनिक और डी धातुई। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट से पूछा गया है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो गाइस यहाँ पर ए ऑप्शन है आयनिक, बी है कॉन्वेलेंट, सी है मॉलिक्यूलर और डी है मेटल। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर गाइस, एक मैंने देखिए आपके लिए होमवर्क किया गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ से पूछा गया है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं पहला चैप्टर में जो है ये जो मैंने फोटो खींचकर यहाँ पर आपको बताया है, इसमें आपको करना क्या है, आपको एग्जाम्पल याद कर लेना, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सॉफ्ट, यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल आपको दिमाग में रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है होने का चांस है गाइस, जो महत्वपूर्ण चीज होगा वही बताएंगे गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा, वहाँ पर जैसे पूछ सकता है NaCl इज एग्जाम्पल ऑफ गैस सॉलिड, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तो यही सब रहेगा गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं सबका एग्जाम्पल याद कर लेना गाइस, और जो है फीचर भी आपको होगा तो यहाँ पर डाउनलोड कर दिमाग में रख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो इंसुलेटर होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, वही आयोनिक सॉलिड जो है यह जो है इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में, और मोल्टेन जो है यानी मोल्टेन स्टेट में यह जो है कंडक्टर हो जाता है, यहाँ पर यह क्या कहते हैं इसे आयनिक सॉलिड, इसका एग्जांपल हो जाएगा NaCl, MgO, ZnSCF2, और इसका जो मेल्टिंग इसका जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वही इसी टाइप से यहाँ पर सी जो है मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, यह दोनों स्टेट में जो है यहाँ पर आपको कंडक्टर होगा, सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टेन स्टेट में, यानी सॉलिड में भी होगा यानी कंडक्टर होगा, और इसका जो है हाई रहेगा, इससे फेयरली हाई मतलब आयनिक से भी ज्यादा इसका जो है क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट होगा। फिर कोवेलेंट का यहाँ पर आ सकता है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कोवेलेंट का यहाँ पर एग्जांपल बहुत VVI है, VVI है SiO2 एंड SiC और AIN, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल यहाँ पर ग्रेफाइट, यहीं से पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, इंसुलेटर होता है और जो है यहाँ पर वेरी हाई जो है यहाँ पर क्या कहते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शन है गाइस, या जो है कंडक्टर होता है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं यही ये टेबल है गाइस, पहला सॉलिड स्टेट जो है टेबल है, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जाते हैं गाइस, तो पहला आंसर यहाँ पर हो गया गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है यहाँ पर हो जाएगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाइस कोवेलेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोवेलेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोवेलेंट सह संयोजक, यहाँ पर हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो गाइस फटाफट आंसर दे गाइस, यदि आप पढ़े हैं पहला चैप्टर से ही ये क्वेश्चन गाइस कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल गाइस, यहाँ पर यह मॉडल सेट जारी किया है, तो मॉडल सेट जारी किया है बिहार बोर्ड, तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो बोल रहा है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए भी एक चार्ट बनाया है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए भी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए गाइस, यहाँ पर बिहार बोर्ड को इस बार जो है गाइस हार देना है गाइस। देखिए यहाँ पर जो है सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर सेल और फेस सेंटर सेल, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कितने होते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने जो है परमाणु होते हैं यानी एटम कितने होते हैं, तो गाइस यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया, तो परमाणु होते हैं बॉडी सेंटर में तो दो होते हैं गाइस, यहाँ पर दो कैसे आया है गाइस, तो दो कैसे आया है उसके लिए भी गाइस यदि आप सोचते हैं कि समझना चाहे तो गाइस नहीं आप कमेंट करें देखिए कैसे होता है गाइस, आपको अभी सिर्फ यही याद रखना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है वन रहता है गाइस, यहाँ पर आपको वन रहता है, और क्या कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो है दो परमाणु रहते हैं और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में चार, और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 52% जो है यहाँ पर भरे रहते हैं, 0% 0.68% 7% और वाइड यहाँ पर जो है 48% खाली रहते हैं, और BCC में 72% खाली रहते हैं और FCC में 26% खाली रहते हैं गाइज, ये जो है ये चार्ट आपको पूरा दिमाग में घुसा लेना है गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं यह 100 में जो है 52% भरा हुआ है, यदि गाइज 100 में 52% भरा हुआ है तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कुछ 48% इसमें जो है 48% यहाँ पर जो है आपको अधिक मतलब खाली है, और 100 में 68% भरा हुआ है BCC में तो 32% खाली है, और FCC यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में गाइज यदि 74% भरा हुआ है तो 26% ये आसानी से हो जाएगा, और यहाँ पर एक का भी मान यहाँ पर दिमाग में रख सकते हैं, एक का मान यहाँ पर देख सकते हैं, एक का मान 2a = 2r क्यूबिक यूनिट सेल और 4r = a/√3, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको दिमाग में रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज। यहाँ पर चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब जो है पूरा एकदम धुआंझार करना है गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल सेट आपको कहीं भी कुछ भी रखने का जरूरत नहीं है गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन हो गया गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रूफ बाय प्रूफ आपको देखा पता चल रहा है कि गाइज क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पर दो हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, वो चार्ट दिमाग में रखेंगे गाइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, तो गाइज आपको पता होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है गाइज, और उसके चार जो है फैक्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं
ए डेंसिटी, बी मास, सी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डी टेम्परेचर। तो चार फैक्टर है गाइस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपको दिखाते हैं एक चार्ट भी बनाया मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं चार फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार चार पर डिपेंड करते हैं। पहला है लोअर ऑफ वेपर प्रेशर, लोअर ऑफ वेपर प्रेशर है गाइस यहाँ पर, लोअर ऑफ वेपर प्रेशर। और दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा है गाइस यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोसिस। ये चारों को दिमाग में एकदम बैठा लेना है गाइस, यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फैक्टर है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको अच्छी तरह से, यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं चौथा ऑप्शन, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है गाइस। अब फटाफट चलते हैं गाइस, अब जो है आपको आंसर की बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा के टू एसओ फोर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फटाफट गाइस, चलते हैं गाइस, आपको आंसर बताते हैं गाइस। तो फिर फाइव क्वेश्चन है, द क्वेश्चन डिपोजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एनएसीएल इज। तो क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पर, यानी बोल रहा है कैथोड पे कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो कैथोड पर कौन जाता है। यहाँ पर देखते हैं, द्रवित एनएसीएल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है कौन, तो सोडियम होता है गाइस। यहाँ पर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सोडियम होता है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, अब जो है फटाफट चलना पड़ेगा गाइस। तो अब जो है सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0.76 देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज। तो यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं फटाफट चलते हैं गाइस, वीडियो लंबा हो जाएगा गाइस। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनवर्सन ऑफ कैन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बोल रहा है, द इन्वर्सन ऑफ केन शुगर जो होता है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हम लोग पाते हैं, तो यह कौन सा जो है, किस ऑर्डर के जो है रिएक्शन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं द इन्वर्सन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, अब पूरा जो है एकदम जो है अब कुछ नहीं करना गाइस, अब जो है पूरा हिला देना गाइस, अब मॉडल पेपर जितना भी हो गाइस सबको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज रेट के ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पर हो जाएगा गाइस, तो इसके लिए क्या करेंगे गाइस, ऑर्डर रिएक्शन के लिए सीधा जोड़ देना है गाइस, रेट बोल रहा है रिएक्शन बोल रहा है, क्या करना है जोड़ देना है। तो ऊपर में स्क्वायर ए पे है 2+1 कर देना है, तो क्या हो जाएगा गाइस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 3 किस में है गाइस, यहाँ पर बी है। चलते जाना है गाइस, यहाँ पर रुकना नहीं है, एकदम फटाफट चलते जाना है, इसका पीडीएफ मिलेगा गाइस, आप लिंक चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गाइस ए है डायलिसिस, बी है टिंडल इफेक्ट, सी है इमल्शन और डी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप पढ़े होंगे गाइस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, ये सब सॉल्यूशन का ही चैप्टर है। देखिए गाइस यहाँ पर आसान कितना पूछा जाता है, आपको घबराना नहीं है गाइस, आपको दिमाग से जो है ध्यान से देना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर है, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड, ए है ओर, बी है मिनरल, ए सी है स्लैग, डी है गैप। तो गाइस आपको इसमें यह कन्फ्यूजन हो जाता है मिनरल ओर में, तो क्या है गाइस, देखिए पहली बार किसे कहते हैं ओर गाइस, देखिए मुझे एक टाइप से एक कुआं है, एक तरह से आप समझ सकते हैं एक कुआं है, इसके अंदर सोना है गाइस, एक तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर अंदर में सोना है, खनिज के मिनरल के रूप में सोना है। यदि इसे जो है निकालने में सोना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कमाई से ज़्यादा खर्चा, इसको बाजार में बेचेंगे उतना नहीं, उससे ज़्यादा इसको निकालने में ही एकदम मेहनत लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसे आप ओर नहीं कहेंगे गाइस। ओर किसके कहेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट हो गाइस, बाजार में बेचे आगे जहाँ भी अर्थ हो, जहाँ भी अर्थव्यवस्था जाएगा बाहर जाएगा, तो गाइस वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो है वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबल होगा, तो इसे कहते हैं ओर गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओर। तो गाइस ओर और मिनरल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए गाइस, यह भी पूछ सकता है दो नंबर क्वेश्चन में गाइस सब्जेक्टिव में। तो गाइस यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जैसे कि यह मेरा जो है मिनरल है, यहाँ पर देख सकते हैं मिनरल किसे कहते हैं, जैसे कि इतना मेरा पत्थर है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कोई, यहाँ पर एक पत्थर है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, इससे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इसे ओर कहते हैं गाइस। इसमें बहुत सारा जो है, इसमें इम्प्यूरिटी है, क्या कहते हैं, बहुत सारा इम्प्यूरिटी है, उसके बाद बहुत सारी बहुत चीज़ है, लेकिन इसको जो है एक मेटल एक जो है खास तैयार किए गए, इसे कहेंगे ओर गाइस, इसे क्या कहेंगे, ओर कहेंगे, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, या तो मिनरल ही है, तो यह हो जाएगा ओर और यह है मिनरल मेरा। तो गाइज यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि ऑल, यहाँ पर और एक चीज़ आता है गाइज, ऑल 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 आर ऑल ओर आर मिनरल ऑल ओर आर ऑल ऑल आर मिनरल सभी जो है ओर सभी मेरा यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर। यहाँ पर ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपसे पूछ सकता है गाइज कि आखिर इसे कहते क्या है गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी अयस्क खनिज होते हैं,
या सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा सभी अयस्क जो है, सभी ओर जो है वो मिनरल होते हैं। ऑल मिनरल आर नॉट ओर, समझ गए हम लोग गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है गाइस? द मेटल ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस, मेटल ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा गाइस, सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं उत्पन्न करता है गाइस? यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए एन एच थ्री, बी एच टू ओ, सी एच सी एल, डी एच एफ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एच सी एल गाइस। आप पढ़े होंगे गाइस, यहाँ पर आंसर की बताने वाला हूँ गाइस, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? द ओ एन ऑफ सल्फर इन एसिड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पर जल्दी से फटाफट आप देते जाएंगे आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गाइस हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा गाइस। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं गाइस, क्या कौन हो जाएगा यहाँ पर गाइस? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे फटाफट, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट बिहार बोर्ड, हनी भैया यहाँ पर आपको आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं गाइस, आप जो है पूरा जो है खतरनाक से खतरनाक गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ डाइवर्स, तो कौन कौन से गैस जो है यहाँ पर गोताखोरी में श्वसन यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? जब गोताखोरी करते हैं गाइस नदी में पानी में जहाँ पर भी, तो श्वसन यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, कौन कौन से गैस रहते हैं? तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिप्टन नियॉन, बी में है नियॉन ऑक्सीजन क्रिप्टन, सी में है हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और डी में है क्रिप्टन ऑक्सीजन और नियॉन, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गाइस 15 का सी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 15 का यहाँ पर सी हो जाएगा गाइस। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर से, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज विद इन, तो आंसर यहाँ पर है ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, सी डी ब्लॉक और डी एफ ब्लॉक, यहाँ पर हो जाएगा डी एफ ब्लॉक। यहाँ पर गाइज आप फटाफट देते जाएंगे आंसर और फटाफट आप दिमाग में नोट करते जाएंगे, इसका पीडीएफ भी मिलेगा गाइज, जितना भी स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर ऐड किया है इस टेबल में सबका मिलेगा पीडीएफ आपको, कोई दिक्कत नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कौन मेंबर नहीं है गाइज? यहाँ पर निम्नलिखित ऑप्शन में सी आर है, यहाँ पर गाइज सी आर भी है, सी आर है यहाँ पर गाइज, सी आर है, एफ ई है, एम एन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी सी यहाँ पर एम जी हो जाएगा गाइज, मैग्नीशियम तो नहीं है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फार देना है गाइज। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट? ए रेडियस ऑफ जेड आर एंड वाई आर सिमिलर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेड आर एंड एन बी आर सेम, रेडियस ऑफ जेड आर एंड एच एफ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, डी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेड आर एंड जेड एन आर सिमिलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइज? एकदम झकास तरीके से यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर रेडियो ऑफ द जेड आर एंड एच एफ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले, यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले जो हिंदी माध्यम से है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं, लैंथोनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी होता है? यहाँ पर देख सकते हैं ए है, जेड आर एंड वाई की त्रिज्या समान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स इज डायमैग्नेटिक, आप जानते हैं होंगे गाइस, ए है सी ओ टू प्लस, एन आई टू प्लस, सी है सी ओ टू प्लस और डी है जेड एन टू प्लस, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, एकदम झकास तरीके से जानना है गाइस और आपको दिमाग में रखना है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जटिल आयन सी यू एन एस की संरचना वर्क लिया तो जटिल में सी यू टू प्लस का प्रसंस्करण क्या होगा गाइस? हिंदी में देखते हैं कितना खतरनाक तरीके से होता है, इंग्लिश में द शेप ऑफ सी यू एन एस इज स्क्वायर प्लेनर, द हाइब्रिडेशन ऑफ सी प्लस, क्या होगा गाइस? एकदम फटाफट आंसर देंगे गाइस, फटाफट आंसर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, डी पी DSP2, एकदम दिमाग में रखना है गाइस, आपको इस पर हम गाइस इतना अभी इस पर समझना थोड़ा समय नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ पीटी PTC2H2Cl3 इज, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट देंगे गाइस आंसर, पहला यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा गाइस, जल्दी बोलिए, यहाँ पर बी हो जाएगा +2, यहाँ पर बी हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीसी नाम होगा, आईपीसी नाम ऑफ सिटी सेट ब्यूटी क्लोराइड, एकदम मॉडल तो बढ़ेगा, आपको आंसर की दिया जाएगा, खाली आंसर की जो है आपको दिमाग में रखिए और पता करिए कि किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैंने शुरू में एग्जांपल भी दिया कि कहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ए है 3-chloroglutan, 2-chloroglutan, सी है 1-chloro-2-methylpropane और डी है 2-chloro-2-methylpropane, तो आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पर, आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, 2-chloro-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 
प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। इंग्लिश में देख सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाइस, आंसर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन मेथड, लुकास रिएक्शन मेथड, विक्टोरिया मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड से भी हम जो है विभेद कर सकते हैं, हम ऑक्सीडेशन के द्वारा विभेद कर सकते हैं, लुकास के भी, विक्टोरिया मेथड के भी द्वारा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा गाइस, आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा अति हो गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन बचा है। यूज ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एनेस्थेटिक, सी है ए है क्लोरोफॉर्म, बी है आइडोफॉर, सी है एसिटिलीन और डी है मीथेन। तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। यहाँ पर ए हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ए हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ए हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ए हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंड व्हेन कैल्शियम एसिटेट इज हीटेड। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हीटेड करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से निम्नलिखित प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा गाइस, ए है एथिल एसिटेट, बी है फॉर्मलडिहाइड, सी है एसीटोन, डी है एसीटाल्डिहाइड। तो आंसर हो जाएगा गाइस सी, आंसर क्या हो जाएगा गाइस, एसीटोन, एसीटोन। 26 में है अल्कोहल में कौन रहता है,
विच इज प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में आपको पता होगा गाइस, आपको एक शीट दिया जाएगा, उसमें जो है मेन चीज रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको गाइस पूछा जाएगा, एकदम जो है आपको OH याद कर लेना है गाइस, क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन सा जो है डिफरेंशिएट करता है एल्डिहाइड और कीटोन से अलग करता है, एल्डिहाइड और कीटोन से अलग करता है। फेहलिंग सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा, ग्रीन गार्ड रिएक्शन, नॉन ऑफ दीज। आप पढ़े होंगे गाइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग पोल्यूशन, एकदम करेक्ट है। सब ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको करेक्ट मिलेगा गाइस, एकदम सब करेक्ट ऑप्शन है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का क्या हो जाएगा गाइस, तो प्राइमरी एमाइन का क्या होता है, NH2 होता है, NH2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। एकदम चलते रहेंगे, फास्ट चलेंगे गाइस। डिल्यूट एंड स्लाइडली एल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड, डिल्यूट और स्लाइडली एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं, तो हो जाएगा बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट हो जाएगा यहाँ पर गाइस, बेयर्स रिएजेंट हो जाएगा गाइस, बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टेन व्हेन फिनोल इज विथ रिएजेंट। जब जेड एंड को फिनोल के हीट करते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या मिलेगा, फिनोल को जस्ता के साथ चूर्ण करेंगे यानी पीस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एकदम फटाफट देना है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा सी, बेंजीन हो जाएगा गाइस, यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे गाइस, अब 5 क्वेश्चन बचा हुआ है गाइस, नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। 31 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, 31 क्वेश्चन यहाँ पर है, 31 में क्या है कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। गाइस आपको फंक्शनल ग्रुप दिया जाएगा अभी तुरंत, आपको क्या करना है गाइस, उसको दिमाग में रट लेना है, दिमाग में घुसा लेना है। इससे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस फंक्शनल ग्रुप से, तो उसको दिमाग में रख लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा गाइस, COOH कार्बोनिक एसिड का क्या होता है, COOH OH होता है, किसका, ये होता है अल्कोहल का, OH अल्कोहल का होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस इवर्सोलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है, हिंदी में एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ गाइस आप लोग को, हिंदी में एक बार पढ़ लेता है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर खदबदाहट होती है, यानी इनमें से कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है गाइस। यहाँ पर है ए एल्कलाइन, बी है एल्कीन, ए सी है एसिटिक एसिड, और डी है इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे गाइस, इस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है, एंड इस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले। तो क्या हो जाएगा, RCOR, RCOOR, RCOOH। देखो गाइस आपको पता है कि 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप से पूछा जाएगा, ये भी फंक्शनल ग्रुप से, आपको एक चार्ट दिया गाइस अभी तुरंत, आप उसको दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOR, यहाँ पर देख सकते हैं RCOR। अब चलेगा खाली एकदम फार के चलेगा गाइस, एकदम हनी भैया आ चुके हैं, चिंता नहीं करना गाइस, अभी बोर्ड रहता अभी गाइस बोर्ड पे एकदम चलता। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्कीन गिव्स, मतलब नाइट्रो एल्कीन के अवकरण से बनता है, क्या बनता है गाइस, सेकेंडरी एमाइन, बी है टर्शियरी एमाइन, सी है प्राइमरी एमाइन, डी है क्वार्टरनरी साल्ट। तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी बताएं आपको, आपको जो है दिमाग में रखना है कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। 34 मॉडल सेट है गाइस बिहार बोर्ड के द्वारा, प्राइमरी एमाइन हो जाएगा गाइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमाइन। और ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट देखिए गाइस, अभी और क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं और क्वेश्चन है, देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नॉट बाय द ह्यूमन बॉडी। ये सभी क्वेश्चन है गाइस, इसको नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे गाइस, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा गाइस, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं। द कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA क्या हो जाएगा गाइस, एडेनिन साइटोसिन यूरेसिल, गुआनिन यूरेसिल थायमिन, डी है एडेनिन थायमिन गुआनिन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है GAC DNA और RNA में कॉमन पाया जाता है, GAC यानी गुआनिन एडेनिन और साइटोसिन। तो ये था मेरा, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा जो था आपको, या मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है या मॉडल से आपको यह क्या था, या आपको जो था क्या कहते हैं उसे, 35 ऑब्जेक्टिव था। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये आपको याद कर लेना है, यहाँ पर सबको प्रीफिक्स सफिक्स भी याद करना है, सब चीज़ यहाँ पर याद करना है। अल्कोहल में देख सकते हैं OH ग्रुप होता है, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, इथर यहाँ पर देख सकते हैं OR होता है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एल्डिहाइड, यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, कीटोन का फॉर्मूला क्या है, यह सब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर याद करेंगे। और सबका जो है, सबका यहाँ पर आपको एग्जांपल आपको याद करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सबका एग्जांपल दिया हुआ है, सबका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है गाइस, आपको दिमाग में रखना है। एल्कीन है, उसका एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल है, इथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोलिक एसिड है। इससे गाइस आपको 5 मार्क्स लिख के देता हूँ गाइस, 5 से 6 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा गाइस, 70 नंबर का भी है, 5 से 6 याद कर लीजिए गाइस, 5 से 6 गाइस याद कर लीजिए एकदम फटाफट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस, आप दिशा निर्देश पे चले। या मॉडल सेट था, अभी सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है गाइस, सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बाकी है गाइस, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है गाइस, बाकी है, सब चलेगा, एकदम फाड़ देना है गाइस, फाड़ देना है, एकदम कुछ नहीं करना है, फाड़ देना है गाइस, फाड़ देना है, पढ़ना है, ये 1 महीना फाड़ देना है गाइस, पढ़ना फाड़ देना है। और यदि आपने गाइस सब शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जो है आप पूरा एकदम अच्छे तरीके से गाइस, मिलते हैं आपको, अभी मिलते हैं गाइस फिर से एक नए जोश में गाइस नेक्स्ट वीडियो में।